सर्दी का मौसम शुरू होने लगा है। लंबी तकलीफ देह गर्मियों के बाद पुरसुकून वाली ठंडी हवाओं के हल्के शुरुआती झोंके महसूस होने लगे हैं, लेकिन सिर्फ जिस्म को ही। तपिश से राहत तो है, लेकिन दम घुट रहा है। फेफड़े भारी बोझ तले लगे हुए हैं। आंखों की जलन आंसुओं से भी दूर नहीं हो रही। हवा ठंडी है, लेकिन फिजा दम घोटू है। ये हाल है राष्ट्रीय राजधानी दिल्ली का। 1.5 अरब नागरिकों के खेवनहार लाल किले वाली जिस आलिशान दिल्ली में बैठे हैं, वहीं की हवा जहरीली हो गई है। ये कोई पहली बार नहीं, बल्कि लगातार बरसों से है। ऐसा जहर है कि कांटे नहीं कट रहा। जहर आया कहां से, इसका अता पता भी सालों से लगाया जा रहा है, लेकिन कोई पुख्ता पता नहीं लग पा रहा। दिल्ली की नगर निगमी सरकार से लेकर देश की सरकार की लंबी चौड़ी एजेंसियां पता ही नहीं कर पा रही कि आखिर हवा में जहर घोल कौन रहा है। पंजाब के किसान या हरियाणा के पराली जलाने वाले किसान, दिल्ली के छोटे बड़े सैकड़ों कल कारखाने या सड़कों को रौंदती बसें और अनगिनत कारें, ट्रक और बाइक्स, जमीनों के हर खाली पड़े टुकड़े पर ईंट पत्थर की इमारतें खड़े करते हुए कंस्ट्रक्शन वाले, झाड़ू लगाते सफाई वाले बंदू या फिर घास हरियाली की मरहूम जगहों से बदस्तूर उड़ती धूल, किस पर उंगली उठाए तय नहीं हो पा रहा। कारण एक है या ऊपर गिनाए सभी, पता ही नहीं चल पा रहा। लेकिन सिर्फ इतना पता है कि दिल्ली पहुंचते ही आंखें जलने लगती हैं, सांस फूलने लगती है, सफेद शर्ट कुछ ही देर में रंगत बदल देती है। जनता भी गजब की हिम्मती और सब्रशुदा है, घर के बाहर जहर खींचती है और घर के भीतर एयर प्योरीफायर लगवा रहा है। टीवी, पेपर, मोबाइल के धुएं के आगोश वाली फोटो और AQI आंकड़े पढ़ती है, फिर गहरी सांस खींचकर पॉलिटिकल बहस में मशगूल हो जाती है। काम चलते रहना चाहिए, कोई चारा भी तो नहीं है। जाएं तो जाएं कहां, हर शहर का एक ही हाल है। कुछ मसला आग से जुड़ा जरूर है, जिसके बारे में आसमान से खींची गई फोटोज तस्दीक कर रही हैं। इनमें आग दिखाई देती है, जिसे पराली वाली आग बताया जाता है। पराली जिसे जलाना जुर्म है। कोर्ट से लेकर सरकार और पर्यावरण के रखवाले प्राधिकार के तमाम आदेश हैं, बंदिशें भी हैं, लेकिन पराली ताल ठोक के जलती है। और तो और, उत्तर भारत में पिछले साल की बनिस्बत इस साल पराली जलाने में 30% का इजाफा हुआ है। लेकिन मुंबई में पराली का क्या दोष, वहाँ भी जनता दिल्ली वाली आबो हवा का मुजाहिरा कर रही है। वहाँ पराली नहीं तो कुछ और है। दिल्ली या किसी भी बड़े शहर में रहने वाले शायद भुलावे में जीते हैं कि मास्क लगाने, एसी में जिंदगी बिताने, एयर प्योरीफायर लगवाने से वो महफूज हो गए हैं। तो सिर्फ यही कहा जा सकता है कि बड़े नादान बने हुए हैं बेचारे। उन्हें पता ही नहीं कि WHO ही कहता है कि जहरीली हवा यानी वायु प्रदूषण के नतीजे इस कदर गंभीर हैं कि स्ट्रोक, फेफड़ों के कैंसर और हृदय रोग से होने वाली 1/3 मौतें इन्हीं के कारण होती है। इस जहरीली हवा का असर एक दिन में 10 पैकेट सिगरेट पीने या फिर पाव भर नमक खाने से भी बदतर है। सिर्फ शरीर ही नहीं, हमारी मेंटल हेल्थ को भी यही हवा चौपट किए दे रही है। एयर पॉल्यूशन का नाम बीमारियों की लिस्ट में ठीक उसी तरह नहीं है जैसे साइनाइड भी बीमारी नहीं है, लेकिन वो करता क्या है सब जानते हैं। यही प्रदूषण हर साल 11 लाख जाने लेता है। कोरोना ने फेफड़े वैसे ही बेंद रखे हैं, खड़े खड़े लोगों की मौत हो रही है, इसमें प्रदूषण का भी योगदान है। डॉक्टर्स की माने तो 10% मौतें जहरीली हवा की वजह से ही हैं। हैरत की बात है कि देश, राज्य, शहर चलाने वाले भी तब नींद से जागते हैं जब AQI 500-600 के बेहद खतरनाक लेवल को पार कर जाता है। खटाखट उपाय घोषित किए जाते हैं, स्कूल बंद, कंस्ट्रक्शन बंद, पेड़ों पर पानी का छिड़काव शुरू वगैरह वगैरह। शायद इसके आगे ना कुछ करने को है, ना सोचने करने की शक्ति या जज्बा। हवा में जहर है तो क्या हुआ, धीरे धीरे खत्म हो जाएगा। अगले साल फिर जब AQI 500 पार करेगा तो फिर अंगड़ाई लेते नींद से जागेंगे, काम करेंगे। परमानेंट इलाज नदारद है, सिर्फ लक्षण दबाए जा रहे हैं। हम आयुर्वेदिक पद्धति के आविष्कारक भले ही हैं, लेकिन सभी समस्याओं के मामले में एलोपैथी वाला रास्ता अपना लेते हैं, लक्षण को दबाओ। खैर, कुछ बात चीन की कर लेते हैं। दुश्मन भले ही हो हमारा, लेकिन सबसे बड़ा ट्रेडिंग पार्टनर है, सो कुछ खूबियों का बखान करने से गुरेज नहीं करना चाहिए। चीन के बीजिंग और शंघाई जैसे मेगा महानगरों की आबो हवा दिल्ली से कई गुना गई बीती थी। इतना धुआं होता था कि धुंध की मोटी दीवार बन जाती थी। चीन सरकार भले ही डंडे और सख्ती के जोर वाली हो, लेकिन वहाँ भी जनता की आवाज अनसुनी नहीं की जाती, क्योंकि रहनुमाओं को पता है कि जनता साथ रहे इसी में भलाई है। सो शहरों, महानगरों में गैस चैम्बर जैसे हालात होने पर नागरिकों में बड़े पैमाने पर गुस्सा और निराशा फैल गई। चीन ने तुरंत अपने शहरों की वायु क्वालिटी को साफ करने के लिए कदम उठाया। सरकार ने कोयले से चलने वाले सभी उपकरणों पर प्रतिबंध लगा दिया। सबसे प्रदूषित क्षेत्रों में कई पुराने उपकरणों को बंद कर दिया। शंघाई, शेंजेन और गुआंगझू जैसे बड़े महानगरों में सड़क पर कारों की संख्या सीमित कर दी गई।
देश ने अपनी लोहा और इस्पात बनाने की क्षमता कम कर दी वगैरह वगैरह, बहुत काम किए। 12 प्रांतों में 35 अरब से ज्यादा पेड़ लगाए। ऐसे कार्यक्रमों में 100 अरब डॉलर से ज्यादा के निवेश के साथ चीन का प्रति हेक्टेयर वानिकी खर्च अमेरिका और यूरोप से ज्यादा हो गया और वैश्विक औसत से 3 गुना ज्यादा हो गया। 2011 में शुरू किए गए उपायों का असर अगले 6 साल में ऐसा हुआ कि कहीं धुएं धूल की परत रही ही नहीं। हवा में अति सूक्ष्म कणों यानी पार्टिकुलेट मैटर की मौजूदगी बहुत हद तक कंट्रोल कर ली गई। काश हमारे यहाँ पर भी ऐसा कुछ हो पाता। काश हम साल में एक बार जागने की बजाय पूरे साल जगे रहते और हर उस चीज को कंट्रोल करते जो हवा में जहर घोल रहा है। गलती हमारी है जो सरकारी उपायों को अपना हक नहीं बल्कि सौगात मानते हैं। चूंकि सौगात मांगी नहीं जाती सो पूरे पूरे क्षेत्रों शहरों को प्योरीफाई करने के उपाय होते ही नहीं और किए भी नहीं जाते। यही वजह है कि वायु गुणवत्ता जीवन सूचकांक के पैमाने पर भारत प्रदूषण रैंकिंग में 252 देशों की लिस्ट में दूसरे नंबर पर है। अभी सर्दियां शुरू हुई हैं, जहरीली हवा के संग मौसम चुनावी भी है। पलड़ा किसका भारी है, प्रायोरिटी किसकी है, आप भी देख रहे हैं, हम भी देख रहे हैं। सांसें आपकी हैं, बचा सकें तो बचा लीजिए।